भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का देर रात कोरोना के चलते निधन हो गया। वो पिछले एक महीने से कोरोना से पीड़ित थे, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। बताया जा रहा है कि कल शाम को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया, जहाँ रात करीब 11:30 बजे उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी का भी इसी बीते जून 13 तारीख को कोरोना की वजह से निधन हुआ था। मिल्खा सिंह के परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और उनकी 3 बेटियां हैं। उनके जीवन पर भाग मिल्खा भाग फिल्म भी बनी है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह के नाम से न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में जाना जाता रहा है। और विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विशाल, एक ऐसी हस्ती जिनकी भरपाई किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है, हालांकि रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी, फिर उसके बाद अंतिम सांस उन्होंने कल रात 11:30 बजे, एक शो की लहर हर तरफ नजर आ रही है। क्या कुछ फिलहाल इस वक्त माहौल? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह थे, और करीब रात 11:30 बजे उनका देहांत हो गया है, और 30 दिनों तक उन्होंने जो है वो कोरोना से कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंत में जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना से जो है वो हार गए थे। और जिस तरह से कल दोपहर के बाद जो है उनका ऑक्सीजन जो लेवल था वो काफ़ी गिर गया था, तो उसकी वजह से उन्हें जो PGI अस्पताल था वहाँ पर एडमिट कराया गया था, लेकिन 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। और जिस तरह से अगर उनके घर के बाहर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात को ही जो उनका पार्थिव शरीर था उसको यहाँ पर लाया गया था, और यहीं पर अब पार्थिव शरीर है, और करीब 3 बजे जो है वो दर्शन के लिए जो है वो रखा जाएगा, और 5 बजे जो है कहीं ना कहीं वो दाह संस्कार जो वो किया जाएगा। और फिलहाल अभी तक जो कोई बड़े व्यक्ति जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो भी उसको भी पूरा फॉलो करना है। तो फिलहाल अभी तक जो है वो डेड बॉडी जो है पार्थिव शरीर जो है घर के अंदर है, और करीब 5 बजे जो है आज अंतिम संस्कार जो है वो मिल्खा सिंह का किया जाएगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है इस वक्त परिवार के पूरे सदस्य उनके साथ में होंगे। हालांकि कोरोना काल यहां पर जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त उनके अंतिम दर्शन के लिए, वरना हजारों लाखों की भीड़ जो है उनके घर के बाहर मौजूद होती है। एक ऐसा नाम जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊँचा किया है, और हमेशा आगे भी इसी तरह से उनके नाम को याद किया जाता रहेगा। हमेशा जिंदा वो खिलाड़ियों के दिलों में रहेंगे, उनके जोश जुनून जज्बे में रहेंगे। लेकिन क्या किसी तरह की विशाल जानकारी है, क्या कोई हस्ती, क्या कोई राजनेता या कोई जनप्रतिनिधि या कोई हस्ती यहाँ पर आ सकते हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए? देखिए, मिल्खा सिंह जो है वो पूरे दुनिया भर में एक नाम था, और जिन्हें जिस तरह से जो उड़न सिख भी कहा जाता था, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जो राजनेता हैं, हालांकि अभी सुबह का समय है और 3 बजे तो है वो दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर जो है वो घर के बाहर जो है रखा जाएगा, तो उसमें जो हो सकता है पंजाब के मुख्यमंत्री या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जिस तरह से अभी तक फिलहाल जो है वो पुलिस का जो है कड़ा प्रबंध यहाँ पर किया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी मिल्खा सिंह, और उनके घर के बाहर फिलहाल तो मीडिया वाले हैं, और धीरे धीरे जो आसपास के लोग हैं वो उनके उनसे मिल रहे हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 3 बजे जो है पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, तो हो सकता है पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां पर जरूर पहुंचे। चलिए, आप रखिएगा इस गमगीन माहौल पर नज़र, क्योंकि मिल्खा सिंह जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, हालांकि हमेशा अपनी काबिलियत अपने बेमिसाल हुनर की वजह से वो सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए आपका।